हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में है और इसमें हम जानेंगे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बारे में। फ्रेंड्स, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर तीन लाइनें चलती हैं, वायलेट, रेड और येलो लाइन। इन तीनों लाइनों पर कौन कौन सी मेट्रो चलती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से चलती हैं और कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। बने रहिए आप मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं येलो लाइन की, जिस पर मेट्रो समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर यानी मिलेनियम सिटी सेंटर तक चलती है। फ्रेंड्स, यदि आपको गुरुग्राम जाना है तो आप येलो लाइन से गुरुग्राम पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, येलो लाइन लगभग 47 किलोमीटर लंबा है और इस पर 37 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, येलो लाइन पर 8 जगह इंटरचेंज होता है। इसका मतलब है आप 8 जगह अपनी दूसरी मेट्रो के लिए लाइन बदल सकते हैं, जिसके बारे में हम बीच बीच में स्टेशन के साथ जानेंगे। फ्रेंड्स, येलो लाइन पर समयपुर बादली जहां से येलो लाइन शुरू होती है, उसके बाद रोहिणी सेक्टर 18-19 हैदरपुर बादली मोड़। यदि आपको जहांगीरपुरी या आदर्श नगर जाना है तो आपको येलो लाइन पर आना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आज़ादपुर। आज़ादपुर जो कि एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है, यहां से आप पिंक लाइन के लिए मेट्रो बदल सकते हैं। पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच में चलती है। यदि आपको आज़ादपुर से आगे पिंक लाइन पे कहीं जाना है तो आप आज़ादपुर में यहां से इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मॉडल टाउन, जीटीवी नगर, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, विधानसभा मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइन। इसके बाद आता है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर आप तीन लाइनों के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं, वायलेट, येलो एंड रेड। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद आता है चांदनी चौक, जहाँ से आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद चावड़ी बाजार और फिर न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, यहाँ से आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं और यहाँ से आपको एयरपोर्ट लाइन भी मिलती है, जो कि ऑरेंज लाइन है, जो IGI एयरपोर्ट पे कनेक्ट होती है। अगला मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है। फ्रेंड्स, यदि आपको CP पालिका बाजार आदि घूमना है तो आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं। फ्रेंड्स, राजीव चौक एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप द्वारका अथवा वैशाली या नोएडा के लिए मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं। अगला है पटेल चौक, जहाँ पर DMRC का मेट्रो म्यूजियम है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगला है केंद्रीय सचिवालय, जहाँ से आप वॉयलेट लाइन के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं, जो बदरपुर से कश्मीरी गेट के बीच में चलती है। आगे फ्रेंड्स उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जोरबाग, दिल्ली हाट, INA, जहां से आप पिंक लाइन के लिए मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं, जो मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच में चलती है। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रीन पार्क, एम्स और उसके बाद हौज खास। फ्रेंड्स, हौज खास में आप मैजेंटा लाइन चेंज कर सकते हैं, जो कि जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन की ओर चलती है। इसके बाद फ्रेंड्स मालवीय नगर, साकेत और उसके बाद कुतुब मीनार। आप कुतुब मीनार येलो लाइन से घूमने जा सकते हैं। कुतुब मीनार के बाद छतरपुर, सुल्तानपुर, उसके बाद घिटोरनी, अर्जनगढ़, गुरु द्रोणाचार्य, उसके बाद सिकंदरपुर, जहां से आप रैपिड मेट्रो गुड़गांव के लिए रैपिड मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स MG रोड, इफ्को चौक और अंत में मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम। फ्रेंड्स, ये येलो लाइन की सारी जानकारी है। अब हम कश्मीरी गेट से रेड लाइन के लिए बात करेंगे। रेड लाइन जो कि रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा के बीच चलती है। फ्रेंड्स, कश्मीरी गेट में 6 प्लेटफॉर्म हैं और आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रिठाला की ओर और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से शहीद स्थल यानी न्यू बस अड्डा की ओर चलने वाली मेट्रो मिलती है, जो कि रेड लाइन पे चलती है। शहीद स्थल की ओर आपको शास्त्री पार्क, उसके बाद सीलमपुर, फिर वेलकम। वेलकम एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप पिंक लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सहारा, जहाँ से आप भारतीय रेलवे दिल्ली सहारा जंक्शन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद मानसरोवर पार्क, झिलमिल, दिलसाद गार्डन, शहीद नगर, राजबाग और इसके बाद फ्रेंड्स मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर पड़ता है, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है साहिबाबाद का। यहाँ से आप भारतीय रेलवे के लिए चेंज कर सकते हैं। इसके आगे श्याम पार्क, मोहन नगर, अर्थला, हिंडन रिवर और फिर शहीद स्थल न्यू बस अड्डा, जो कि अंतिम मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का। फ्रेंड्स, बात करते हैं कश्मीरी गेट से रिठाला की ओर चलने वाली रेड लाइन की। तो कश्मीरी गेट प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आपको रेड लाइन मिलती है, जिसके आगे 30,000, पुलबंगस, प्रताप नगर, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पड़ता है। शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से सराय रोहिल्ला वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आप यहां से भारतीय रेलवे के लिए चेंज कर सकते हैं। इसके बाद
अगला मेट्रो स्टेशन इंद्रलोक है, जो कि एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप ग्रीन लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। इसके आगे कन्हैया नगर, केशवपुरम, इसके आगे NSP पड़ता है, यानी नेताजी सुभाष पैलेस, जहाँ से आप पिंक लाइन के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे कुहाट इनक्लेव, पीतमपुरा, रोहिणी ईस्ट एंड रोहिणी वेस्ट, रिठाला, जो कि अंतिम मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वॉयलेट लाइन की, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ की ओर चलती है। इस रूट पे आपको लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, इससे अगला ITO जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस है, उससे अगला मंडी हाउस से आप ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं, जो द्वारका से नोएडा के बीच चलती है। इसके आगे जनपथ, इसके आगे केंद्रीय सचिवालय, जहाँ से आप येलो लाइन के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद खान मार्केट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जंगपुरा, उसके बाद लाजपत नगर। यहाँ से फ्रेंड्स आप पिंक लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं, जो शिव विहार से मजलिस पार्क के बीच चलती है। उसके बाद मूलचंद, कैलाश कॉलोनी, नेक्स्ट नेहरू प्लेस, जहाँ पर एशिया की बिगेस्ट IT मार्केट है, यहाँ से आप IT प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इससे अगला कालकाजी मंदिर है, जहाँ से आप कालकाजी मंदिर जा सकते हैं, और मेजेंटा लाइन, जो कि जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन के बीच चलती है, इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके आगे गोविंदपुरी, हरकेश नगर, जसोला अपोलो, और फिर सरिता विहार, मोहन स्टेट, इसके आगे तुगलकाबाद, बदरपुर बॉर्डर, सराय मेट्रो स्टेशन, NHPC चौक, मेपला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन, इसके आगे सेक्टर 28 और बड़खल मोड़, जहां से आप बड़खल झील के लिए जा सकते हैं। उसके बाद ओल्ड फरीदाबाद, नीलम चौक, उसके आगे बाटा चौक, और फिर एस्कॉर्ट्स मुजेसर, और फिर संत सूरदास सिंही, और उसके आगे राजा नाहर सिंह, जो कि अंतिम मेट्रो स्टेशन है वॉयलेट लाइन का। फ्रेंड्स, ये वीडियो येलो, वॉयलेट, रेड तीनों लाइन की प्रत्येक मेट्रो स्टेशन और इंटरचेंज के साथ साथ कश्मीरी गेट से कौन से प्लेटफॉर्म से चलती है उसकी जानकारी थी। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।